नमस्कार दोस्तों, आज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हम लोग सेक्शन 5 को पढ़ेंगे। सेक्शन 5 बोलता है कि हिंदू मैरिजेस कैसी हो सकती है, मतलब उनकी कंडीशंस क्या है। सेक्शन 5 बोलता है कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज, क्या कंडीशंस हैं, कब दो लोगों के बीच में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर में शादी हो सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सेक्शन 5 के अंदर में वो ये वो है कि इस एक्ट के अंदर में सिर्फ दो हिंदू लोगों के बीच में ही शादी हो सकती है। दो हिंदू लोगों के बीच में ही शादी हो सकती है, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, जो दूसरे कम्युनिटी के हैं उन लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शादी नहीं हो सकती। दोनों पार्टी को हिंदू होना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले कंडीशन क्या है कि कोई भी पार्टी जो शादी करना चाहते हैं इस एक्ट के अंदर में, वो ऑलरेडी शादीशुदा ना हो, वो ऑलरेडी मैरिड ना हो, और अगर वो मैरिड है तो उसकी जो स्पाउस है वो जीवित ना हो। स्पाउस का अगर देहांत हो गया है, वो अगर विडो है या वो अगर विडोवर है तो वो शादी कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी अगर शादीशुदा है और उसकी स्पाउस अगर जिंदा है तब वो शादी नहीं कर सकता। दूसरा, जो पार्टी है, पार्टी की दिमागी जो संतुलन है वो सही होना पड़ेगा, मतलब जो कि एक पार्टी शादी करना चाहती है और दूसरे पार्टी के साथ शादी करना चाहती है उसकी सहमति देने में वो सक्षम होना चाहिए, तो उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए। अगर वो मेंटली फिट नहीं है और वो सहमति देने में सक्षम अगर नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शादी करने के लिए। अगर मान लीजिए कि उसकी दिमागी बीमारी है लेकिन वो सक्षम है, मतलब कि वो सहमति दे सकता है, उसको पता है क्या हो रहा है, उसको पता है कि हाँ मैं इस बंदे के साथ शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी दिमागी बीमारी तो है और दिमागी बीमारी होने के कारण वो शादी को चलाने में सक्षम नहीं है, कंटिन्यू करने में उसको दिक्कतें आएंगी या बच्चे पैदा करने में उनको दिक्कतें आएंगी, तो ये अगर केस होता है तब वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो दूल्हा है उसकी उम्र कम से कम 21 साल 21 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो फीमेल है, जो दुल्हन है, उसकी एज 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो दोनों जो पार्टी है, और दोनों पार्टी के बीच में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ना हो, किसी भी तरीके का प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी, चाहे दूल्हा या दुल्हन, किसी भी पार्टी का अगर रीति रिवाज, कस्टम एंड यूसेज, रीति रिवाज इस टाइप की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाली मैरिज को अगर ऑथोराइज करता है, अप्रूव करता है कि ऐसी हो सकती है, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शादी करी जा सकती है, बनिस्पत अगर दोनों के बीच में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो तो। अगर दो जन है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ए और बी, दूल्हा और दुल्हन, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शादी करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी तरीके का प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन या तो दूल्हे का रीति रिवाज या दुल्हन का रीति रिवाज इस टाइप की मैरिज को अगर ऑथराइज करता है, अप्रूव करता है कि ऐसे हो सकता है, तो फिर करी जा सकती है। उसके बाद किसी भी पार्टी को पागलपन का दौरा नहीं पड़ना चाहिए, अगर किसी को पागलपन का दौरा पड़ता है तो वो एलिजिबल नहीं है इस एक्ट के अंदर में शादी करने के लिए। लास्ट में है कि दोनों पार्टी के बीच में सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, जो सपिंडा रिलेशनशिप है वो दोनों पार्टी के बीच में, दूल्हा दुल्हन के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर भी
अगर कस्टम एंड यूसेज, रीति रिवाज, कोई भी पार्टी का, दूल्हा का पार्टी का या दुल्हन का पार्टी का, अगर इस टाइप की मैरिज सप्रिंडा रिलेशनशिप होने के बाद भी शादी करने की परमिशन अगर देता है वो रीति रिवाज, वो कस्टम एंड यूसेज, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ऐसी शादी करी जा सकती है, नहीं तो नहीं करी जा सकती है। तो दोस्तों ये था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर में शादी दो हिंदुओं के बीच में शादी करने के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होने जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।